हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सबका एलके एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग आपके साथ जुड़े हैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताने के लिए और बिल्कुल ऐसी नौकरियों की जानकारी देने के बारे में जिनका आपको पता भी नहीं लगता। तो हर साल कितनी ऐसी जॉब्स आती है, वैकेंसी लाती है और चली भी जाती है, पर आपको आइडिया नहीं लगता। बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि उनका ड्रीम जॉब है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना, बट हियर द क्वेश्चन इज़ हाउ ये ड्रीम जॉब क्लियर करे तो किस बेसिस पे क्लियर करे। सो अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम देके पब्लिक सेक्टर जॉब्स को पा सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, GPSC, UPSC एंड मैनी मोर हर साल कंडक्ट होते हैं। अगर हम SSC की बात करें तो SSC के अंदर CGL, CHSL, MTS, JEE, GD ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनको देके आप अच्छी पोस्ट पे लग सकते हैं। अगर हम SSC CGL की बात करें जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसको क्लियर करके आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लग सकते हैं। एंड अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप ग्रेजुएट क्लियर होने चाहिए। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CHSL का एग्ज़ाम आप 12th के बाद दे सकते हैं। MTS के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मेट्रिक्स पास है। तो इसी तरह इन सारे एग्ज़ाम्स को देके आप अच्छी सैलरी ला सकते हैं। तो अगर इसकी सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट पे डिपेंड करती है, बट इसकी अप्रॉक्स सैलरी 56,000 तक रहती है। एंड अगर हम इस एग्ज़ाम के लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट आता है रेलवे। अगर हम रेलवे की बात करें तो उसमें भी हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है NTPC, दैट इज़ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्ज़ाम। उसके अलावा ALP, ASM, JEE एंड ग्रुप डी, ये सारे एग्ज़ाम रेलवे कंडक्ट कराता है। सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और प्राइवेट जॉब के रेफर में ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपको बेसिक पे के अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेज देती है। तो अगर हम बेसिक सैलरी के अलावा बात करें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर डियरनेस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, तो ये सारी फैसिलिटी आपको एडिशनल मिलती है। तो अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स देते हैं तो 23,000 से लेके काफ़ी हाई सैलरी तक इसके अंदर ला सकते हैं। एंड अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। देन नेक्स्ट बिग सेक्टर इज़ बैंकिंग। तो अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड इन एग्ज़ाम को क्लियर करके आप बैंक्स के अंदर क्लेरिकल की पोस्ट पे, PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पे, SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पे भी लग सकते हैं। तो बैंक के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं SBI, IBPS एंड RRB के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो SBI जो कि लार्जेस्ट PSB है, उसका एग्ज़ाम होता है क्लर्क का, PO का, SO का, एंड उसके अलावा जितनी भी दूसरी PSBs है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी जो भी बैंक्स है, वो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं IBPS के अंदर। IBPS RRB के भी एग्ज़ाम कराता है। RRB रीजनल रूरल बैंक है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो जैसे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, देना ग्रामीण बैंक, तो ये सारी बैंक्स है जो कि रूरल एरियाज के अंदर होती है, एंड आप एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो बैंक के अंदर 8,50,000 से लेके 13,50,000 तक का एनुअल पे स्केल रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना प्रेस्टीजियस जॉब है। तो आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन 12th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें तो इसके अंदर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है वो अगेन इंग्लिश एंड हिंदी में होता है। तो आप SBI का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के एग्ज़ाम्स। देन RBI के भी ग्रेड बी एंड असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं, एंड इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी भी एग्ज़ाम कराती है जो कि AA एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए GPSC की। तो GPSC में हर साल एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक Class 1 and 2, Class 3, GSSB एंड मैनी मोर। तो अगर आप Class 1 का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप लोग इस पोस्ट पे जा सकते हैं, वेदर वो डिप्यूटी कलेक्टर की हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की हो, या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर की, एंड मैनी मोर। अगर आप Class 2 का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर, स्टेट टैक्स ऑफिसर, या फिर तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, इन सब पोस्ट पे जाते हैं। अगर आप Class 3 का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो DYSO, DY मामलदार, STI यानी कि स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर हम GPSC के एग्ज़ाम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट ये एग्ज़ाम दे सकता है। एंड अगर हम इसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो 400 मार्क्स का इसका रिटन पेपर रहता है,
जिसके अंदर अगर हम कट ऑफ देखें तो वो 50% से भी कम रहती है। यानी कि अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करें तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर एक और एडिशनल बेनिफिट है कि इसमें गर्ल्स को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है, तो वो स्पेशल रिजर्वेशन का बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 20 to 35 ईयर का एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, एंड 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC को, एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर्स का SC एंड ST को। तो 45 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें तो गुजराती एंड इंग्लिश दोनों मोड के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप GPSC का एग्ज़ाम जो कि हर साल होता है वो देके इन बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बहुत सारी और पोस्ट है जिसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके एग्ज़ाम क्लियर करके उन सारी पोस्ट पे लग सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप PSC का एग्ज़ाम देते हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके बाद नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए है वो है UPSC। UPSC स्टैंड करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एंड ये हर साल बहुत सारे पॉपुलर एग्ज़ाम करवाता है। उसमें अच्छी रैंक सिक्योर करके आप प्रेस्टिजियस जॉब्स को पा सकते हैं। तो इसके अंदर एक एग्ज़ाम जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, जो UPSC कराती है, उसका नाम है CSE, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जिनको क्लियर करके आप IAS, IPS या IFS ऑफिसर्स बन सकते हैं। एंड अगर हम इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो 32 इसका एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, 35 OBC के लिए, एंड 37 ST एंड SC के लिए। तो अगर हम UPSC की बात करें तो इसमें ना सिर्फ आपको जॉब मिलती है बट आपको इंडिया के अंदर एक रेप्यूटेड पोस्ट मिलती है। तो अगर हम UPSC की बात करें तो इन सारे एग्जामिनेशन के अलावा इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से दो और पॉपुलर एग्जाम्स जो कि साल में 2 बार होते हैं, तो वो है CDS के एंड NDA के। तो जो CDS है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम है, एंड जो NDA है वो नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्ज़ाम है। तो अगर आप CDS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस वाला एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है, तो उसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स, नेवल एकेडमी ऑफिसर, इन सब की ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकते हैं। एंड अगर आप NDA जो कि स्टैंड करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, उसका एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी एलीट जॉब है जो कि UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको मिलती है। अगर हम UPSC की बात करें तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ये उन सबसे सुपीरियर है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन, बहुत सारे लोग पूछते हैं। बट लाइक नेपोलियन हिल हैज सेड, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। सो द ओनली टाइम विच इज राइट नाउ। तो आप अभी अपनी तैयारी शुरू करें, एंड अच्छे काम में देरी कैसी। वैसे अगर देखा जाए तो आप 12th के बाद इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब अगर ये तैयारी करनी है तो करे कैसे। सो एग्जैक्टली दैट्स वेयर वी स्टेप इनटू द सिनेरियो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब, ऑफ कोर्स वी आर नाउ अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑन आवर वेरी ओन ऐप, दैट इज LK अकेडमी ई लर्निंग ऐप। आप अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो आप सभी लोग अपने मोबाइल में या फिर अपने डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे एंड वहाँ पे प्ले स्टोर में लिखना है LK Academy। जैसे ही आप मोबाइल में ये सर्च करते हैं तो आपकी ऐप इंस्टॉल होती है। जब एक बार डाउनलोड होगी आप उसको ओपन करेंगे एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आपका मोबाइल नंबर डालने का। जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर आपको OTP मिलेगा। वंस आप अपना OTP एंटर करके वेरीफाई करते हैं तो आपकी ऐप ओपन होगी। आपको एज अ स्टूडेंट कंटिन्यू करना है एंड आपको कुछ पेजेस दिखेंगे जिनको नेक्स्ट करके आपको इस ऐप के साथ गेट स्टार्ट करना है। फिर आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल्स डाल के आपको बस उसके अंदर रजिस्टर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये इतना करेंगे तो उसके बाद LK अकेडमी ई लर्निंग की ऐप ओपन होगी एंड ये उसका होम पेज आपको दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये ऐप का होम पेज है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक वीडियो के, स्टडी मटेरियल के, टेस्ट के, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट के। सबसे ऊपर इसमें यहाँ पे ये बैनर सेक्शन होता है जहाँ पे आप ये इमेजेस देख रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम या अनाउंसमेंट है उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्लैट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट डिस्काउंट, या फिर अगर STI का एग्ज़ाम जो कि स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का है तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स है वो सब आपको यहाँ मिलते हैं।
उसके अलावा अगर आप ये तीन वर्टिकल लाइंस पे क्लिक करके साइड बैनर ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। अगर इन ऑप्शंस के अंदर आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है जो कि सब्जेक्ट वाइज एंड सेक्शन वाइज अरेंज किया गया है। तो अगर आप किसी भी फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से हर एक चीज़ को सॉर्टेड मैनर में रखा गया है। तो जैसे अगर आप करंट अफेयर्स का फोल्डर ओपन करते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने कन्वीनियंट टाइम पे कभी भी इसको पढ़ सकते हैं एंड इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे ऐप का यही मोटिव है कि जो भी यहाँ पे आए वो बिना कुछ याद करे यहाँ से नहीं जाए। तो इसी तरह अगर आप दूसरा फोल्डर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैटिक जीके देखेंगे तो 100 से भी ज़्यादा पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप फ्रीली पढ़ सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं एंड इनको याद करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पीडीएफ को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी पीडीएफ प्रोवाइड की गई है वो बहुत ही सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में है सो दैट आपको याद करना ईजी रहे। तो अगर आप नेक्स्ट सेक्शन यानी कि वीडियोस को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है एंड ये जो वीडियोस है वो सब 1 आवर के हैं। तो आप इन वीडियोस को देख के लर्न कर सकते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे इसमें और वीडियोस एंड पीडीएफ ऐड किया जाता है सो दैट आप मैक्सिमम तैयारी अपनी एग्जाम की इस ऐप के थ्रू ही कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो है ये वाला सेक्शन देखेंगे बैचेस का। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप एलके एकेडमी कम्युनिटी बैच में ऐड होते हैं एंड अगर आप बैच के फीचर देखेंगे तो उसके अंदर भी वीडियो का सेक्शन आएगा, देन स्टडी मटेरियल का, अनाउंसमेंट का, एक्सेट्रा। तो स्टडी मटेरियल में अगेन आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है अनाउंसमेंट का, तो वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट एग्जाम की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। असाइनमेंट सेक्शन के अंदर डेली एक असाइनमेंट दिया जाता है जिसको आप कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं एंड ये असाइनमेंट इंग्लिश बेस्ड रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन आता है टेस्ट का, जहाँ पे एवरी मॉर्निंग टेस्ट अपडेट किया जाता है। देन आप देखेंगे कि एक ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टोर का। अगर आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे, वेदर वो GPSC है, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप यहाँ से हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप किसी भी फोल्डर को क्लिक करके देखेंगे और उसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर दिए गए हैं एंड अगर आप इसके अंदर कोई भी एक फाइल को ओपन करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी कोर्स है, जो भी कोर्स परचेस करना है उसका आप प्रिव्यू वीडियो देख सकते हैं एंड इस तरह से सारी वीडियो सीरीज़ आपको दिखेगी। तो जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भी कोर्स को आप परचेस करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आपको नीचे ये जो बाय नाउ वाला सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। तो जो भी कोर्स में आप जाके बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं ऐप के अंदर ही एंड आपको सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। जैसे ही आप बाय नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको स्टेट पूछेगा एंड आपको वो स्टेट एंटर करना है। वंस आप ये एंटर करते हैं तो आपका पेमेंट मोड ओपन होगा, वहाँ पे आप किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड से अपना पेमेंट कर सकते हैं एंड इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं जिसमें सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ आपको मिलेगी। वंस आप किसी भी कोर्स का पार्ट बनते हैं देन आपको उसके ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल UPSC, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक आता है बेल आइकन का ऑप्शन, जहाँ पे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट है, डेली GK है या फिर जो आवरली न्यूज़ है वो सब यहाँ पे दी जाती है सो दैट आप कुछ भी मिस नहीं करें। तो ये सारे फीचर्स है, सो बी रेडी टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर। तो अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो बस हमारे साथ बने रहिए एंड जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे गिवन नंबर पे। सो दिस वॉज ऑल फॉर अस एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।